आँख बंद करके ईश्वर के ऊपर भक्ति करना है, इसीलिए बंद करते आँख। सूरदास को भगवान ने कहा था, तू मेरा इतना रचना करता है, इतना रचना करता है। सूरदास एक बार गड्ढे में गिर गया था। वो जा रहे थे दिल्ली से, तो चल के चल के वृंदावन जा रहे थे, तो गिर गए गड्ढे में। तो अभी कौन उठाएगा उनको, गड्ढा है मालूम नहीं, ऐसा हाथ लगा के। फिर वो गाना गाने लगे वहाँ, खुशी से भगवान को बुलाने लगे, मैं पहुंच गया हूँ पानसरी में, जाना, ये तो मैं गिर गया हूँ ना, कहाँ गिरा हूँ ऐसा। तो भगवान ने कहा, देखो मैं हाथ लगाता हूँ तुम्हें, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। तो सूरदास ने कहा, गिरा हुआ लोगों को, उनका सूर सागर में है ये गाना, गिरा हुआ लोगों को आप ही तो हाथ देकर ऊपर उठाते हो मेरे प्रभु। उठा के सामने खड़ा कर भगवान ने उसे गले लगा कर कहा, सूर तुम मुझे देख सकते हो, देखो उसके आंखों में हाथ रखा, खुल गया उसका आंखें, और सूर ने भगवान को देखा, बोला, इतना दिन मैं मुरली वादक खाली सुनता था प्रभु, आज मैंने साक्षात आपको देखा, क्या माधुर्य मूरत है, केशादि पादम पादादि केश, मैंने केश से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, सूरदास बार बार उनको गौरते हैं। अभी उनका आंखें खुल गया है, दुनिया देखा नहीं था उन्होंने जिंदगी भर, इसके लिए इधर उधर देखा नहीं उन्होंने, सिर्फ सामने वाले छवि को देखा। फिर आंखें बंद कर लिया और कहा, प्रभु बस ये आंखें ऐसे बंदी रहना, इसमें मैंने पूरा आपको बिठा लिया है, ये मेरे मन के अंदर बैठ गया है आपका मोहिनी मूरत, मुझे दुनिया नहीं देखना, फिर से मुझे अंधा बना दो, मैं अंधकार में भी बस आपका याद करके रोशनी देखूंगा, आपको देखूंगा, वो जो छवि को बिठाया है वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, दैट मेमोरी वही मेरे अंदर होना चाहिए। भगवान सामने आके उन्होंने नहीं बोला, मुझे महल दो, पैसा दो, औरत दो, बच्चा दो, कुछ भी नहीं बोला, फिर से मेरा अंधकार ही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मेरे अंदर बिठा लिया, आपकी छवि को जो नजरों ने देखा है वो नजर और किधर नहीं देखेगा। ये होती है भक्ति।